हमारे घरों में रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगी, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, ब्रह्मोत्तर पुराण मिलेगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो संविधान। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, अपने अपने हाथ ऊपर करके बोलो कि किस किस के घर में संविधान है। 10% भी नहीं, 10% लोगों के घरों में संविधान नहीं है, जो हमें गुलामी से आजादी की तरफ लेकर के आया और हमारे पास गुलामी को, गुलामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ है। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए, क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, समझने वाली बात है, नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में, उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है, अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूरतों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।